ये सारे छक्के हैं, ठीक है, ये खेलने वाले नहीं हैं, ये छक्के हैं, ठीक है। इंजर्ड इन्होंने क्या होना है, इनको तो पहले ही सामान जो है इनका पूरा नहीं है, ये तो नामर्द टीम है। भारत की टीम आपको पता है पहले एशिया कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है। ऐसी टीम पालने से अच्छा हम कुत्ते पाल लें, ठीक है, लानत है तुम्हारे ऊपर। एशिया कप में भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम की कारकर्दगी पर बड़ी बातें की जा रही है। आपके जो परफॉर्मेंस है वो गलत है। और विराट कोहली दोनों भारत से है ना, भारत बाप है यार, ये चीज आप पहले क्लियर करें, भारत बाप है, इस चीज को आप तस्लीम करें। विराट कोहली किंग है, विराट कोहली किंग है। सॉरी भाई आप इंडिया से तो नहीं है? हम इंडिया से, हम इंडिया से नहीं है, लेकिन हम जो जो आप बात उनके हक में कर सकते, लेकिन बाप ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, बस रहना खुदा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। टीम आपको पता है पहले एशिया कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है और कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कि होने क्या जा रहा है। एशिया कप में भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम की कारकर्दगी पर बड़ी बातें की जा रही है। टीम की कोचिंग और डिफेंसिव अप्रोच है उस पर भी तनकीद की जा रही है, खासतौर पर इस मौके पर जब अगले महीने आपको पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है और कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त आखिर कहां स्टैंड करती है। तमाम लोग इस बात का जवाब तलाश करना चाह रहे हैं। इस बारे में हम भी बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास साहब के साथ मौजूद है। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ज़हीर साहब क्या लग रहा है, कौन जीतेगा आज का मैच, क्योंकि आज का मैच अब डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। हाँ जी, बात यह है कि पाकिस्तान का स्कोर तो अच्छा था 252/7, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ बैटिंग देख रहा हूँ श्रीलंका की और हमारी अपनी बॉलिंग देख रहा हूँ, तो बॉलिंग में बिल्कुल बाइट नजर नहीं आ रही, फील्डिंग प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल ही गलत है और श्रीलंकन बैट्समैन जब मर्जी एक ले लेते हैं, सिंगल्स ले लेते हैं और चौका मार देते हैं और दो रन ले लेते हैं। लिहाजा इस वक्त जो मुझे तो जो नजर आ रहा है, हालांकि अभी मैच काफी बाकी है, श्रीलंकन जो है बड़ी प्लानिंग से खेल रहे हैं और 133/2 हुआ है, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये मुझे लग ही नहीं रहा कि ये एक पाकिस्तान की टीम खेल रही है। जब से पाकिस्तान की टीम इंडिया से हारी है, इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही खराब हो गई है, यानी इतनी खराब हो गई है। इन्होंने तनकीद का बहुत ज्यादा क्या समझ आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आपको नजर आ रहा है ज़हीर साहब? देखिए बैटिंग में प्रॉब्लम बहुत हुआ आज, फिर से बॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फील्डिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फील्डिंग प्लेसमेंट सही नहीं है। अब कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताया जाए, इसमें देखिए जब आपके जो परफॉर्मेंस है वो गलत है। और विराट कोहली दोनों भारत से है ना, भारत बाप है यार, ये चीज आप पहले क्लियर करें, भारत बाप है, इस चीज को आप तस्लीम करें। विराट कोहली किंग है, विराट कोहली किंग है। सॉरी भाई आप इंडिया से तो नहीं है? हम इंडिया से नहीं है, लेकिन हम जो स्कोर अच्छा करेगा, आप स्कोर आप बात उनके हक में कर सकते, लेकिन बाप ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, आप पाकिस्तानी हो अगर आप में नहीं, ये बाप वाला ये क्रिकेट की बात है। आपकी नंबर वन जो टीम है ना वो जाए तेल लेने, पाकिस्तानी आवाम को तेल के पीछे लगाया हुआ आप लोगों ने। भाई मुझे तो समझ नहीं आती है, लौंडे कहाँ से जाते हैं, खेलना खुलना इनको आता नहीं है, बर्गर खाते हैं, शॉर्मे खाते हैं, उसके बाद ये पता नहीं कौन कौन से टिकटॉक बनाते हैं। ये पाकिस्तान के जो दिलों पे ना ये छुरियां चलाते हैं ना, अल्लाह इनको पूछे कि जो जो ये करते हैं ना पाकिस्तानी आवाम के साथ। कोहली इज अ गुड मैच फिनिशर, विराट कोहली बाप है भाई, बाप है मान लो, चलो बाप को छोड़ो, लेकिन फिर भी वो लेजेंड है, बस लेजेंड, उसके लिए ये लफ्ज़ काफी है। बस इंडिया भाई भयंकर नजर आएगा, वो चांद पे भी पहुंच चुका है और वो क्रिकेट के मैदानों में भी पाकिस्तान की धुलाई कर रहा है। दूसरी बात ये है कि बस इस वक्त चांद वाली बात आप छोड़ो, ये क्रिकेट में बात हो रही है भाई, आप कहीं नहीं पहुंच सकते, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। हम पहले वो इंडिया वाले पाकिस्तान से डरे हुए हैं, इंडिया वाले मीडिया उनके इंडिया वाले कैसे डरे हुए हैं? मुझे ये बताएं कि नंबर वन टीम कौन सी है अभी? ओ भाई नंबर वन नहीं बताएं, एक मिनट, हाँ या ना, नंबर वन टीम वन और नंबर नंबर वन और नंबर टू का बात नहीं है। नंबर वन और टू अगर विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन किया जाए तो विराट कोहली उस वक्त खेलता था जब बाबर आजम बाहर से गेंदे उठा उठा के मैदान में, तो वो नया प्लेयर है। विराट कोहली देखो, विराट कोहली के मैचेस भी देखो ना, मैं मानता हूँ विराट कोहली बेस्ट है।